एक बार पिज़्ज़ा खाया था डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट का था मुझे नहीं पता, बट घर के अंदर जब पिज़्ज़ा खाया था मुझे बहुत बुरा लगा था। अच्छा, मेरे को मैदा या तो समझ नहीं आई, मुझे मूंग दाल इज बेस्ट लगती है। तो इसलिए आपने स्वदेशी पिज़्ज़ा का इन्वेंशन कर दिया। यस सर, बहुत ये हमारे प्रधानमंत्री है उन्होंने ये बोला था कि जो मेक इन इंडिया का एक नारा दिया था जी, उसके थ्रू हमने स्टार्ट किया था। बहुत खूब, स्वदेशी पिज़्ज़ा। यस, स्वदेशी पिज़्ज़ा का स्वाद है ताज़ा, इम्यूनिटी को कर दे ज़्यादा। अरे वाह, बहुत सही। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ विष्णु दिगंबर मार्ग आईटीओ के पास, और यहाँ पर हमें बहुत इंटरेस्टिंग सी एक चीज़ दिखी है। वो कुछ पैन है, अमूल केक है, और देखते हैं क्या है, एक बार चलिए देखते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये स्वदेशी पिज़्ज़ा के नाम से एक स्टॉल है, और यहाँ पर बहुत ही लाजवाब से और इंटरेस्टिंग सी चीज़ बन रही है। नमस्कार सर। तो सर, ये क्या चीज़ बना रहे हो आप? मतलब इतने सारे पैन आपने रख रखे हैं अमूल की, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। ये मूंग दाल का पिज़्ज़ा बना रहे हैं सर। मूंग दाल का पिज़्ज़ा, स्वदेशी पिज़्ज़ा। स्वदेशी पिज़्ज़ा, नाइस। तो कितने टाइम से है ये सर? ये 6 ईयर ओल्ड शॉप है। 6 साल हो गए आपको यहाँ पर एक ही चीज़ बनाते हैं। तो सर, जानना चाहूँगा ये कहाँ से आपके पास आइडिया आया इस चीज़ का, स्वदेशी पिज़्ज़ा का? घर पे बनाने खाने का शौक था पहले। अच्छा। पहले हम घर पे प्लेन बना के खाते थे, फिर धीरे धीरे इन्वेंशन करा, घर पर ही कुछ नया ट्राई करा। अच्छा अच्छा। एक बार पिज़्ज़ा खाया था डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट का था मुझे नहीं पता, बट घर के अंदर जब पिज़्ज़ा खाया था मुझे बहुत बुरा लगा था। अच्छा। मेरे को मैदा या तो समझ नहीं आई, मुझे मूंग दाल इज बेस्ट लगती है। तो इसलिए आपने स्वदेशी पिज़्ज़ा का इन्वेंशन कर दिया। यस सर, बहुत बढ़िया। ये मेक इन इंडिया के थ्रू हुआ था सर, 2015 में। मेक इन इंडिया के थ्रू हुआ था आपका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, उन्होंने ये बोला था कि जो मेक इन इंडिया का एक नारा दिया था जी, उसके थ्रू हमने स्टार्ट किया था। बहुत खूबसूरत स्टोरी है सर। उसके बाद से आज तक हमने इसके अंदर काफ़ी सारी वैरायटी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, ठीक है। और ये जो आपने अभी दाल हमें दिखाई थी मूंग दाल, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये दाल एक बेसिकली मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, चंदौसी, संभल इस साइड की एक मशहूर दाल है ये। हाँ। मूंग की दाल। मूंग की दाल, हाँ। ये बड़े बुजुर्ग पहले बहुत खाते थे, मगर आजकल घर पे हम लोग बनवा देते हैं जैसे मूंग की दाल, तो बच्चे कहते हैं मम्मा बीमारों वाली दाल मैं नहीं खाती। हाँ हाँ हाँ। बेसिकली आपको पता है, सब कहते बच्चे के नहीं आज तो बाजार से बनाएंगे, मैंने बीमारों वाली दाल बनाएंगे। हाँ, मैं ये कहता हूँ बीमारों वाली दाल नहीं, ये हेल्दी दाल है। आप एक बार खाएंगे आपकी खाने की इच्छा बढ़ेगी, और जो हमें करें वो हमारे इम्यूनिटी बूस्ट का चाहिए जी, वो ये दाल दी। बहुत बढ़िया, और कोविड के टाइम पे इसकी तो बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें प्लेन होता है, स्टफ्ड होता है, स्टफ्ड विद चीज़, डबल चीज़, चीज़ बर्स, कॉर्न, मशरूम, पनीर, इसके अलावा गार्लिक ब्रेड, कटलेट रोल, फ्रेंच फ्राई, अदर मूंग दाल मुरादाबादी। मूंग दाल मुरादाबादी, अरे वाह। तो एक बार आप देख सकते हैं, देखिए कि किस तरीके से इन्होंने पैन सजा रखे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारे आप एक साथ भी हैंडल कर लेते हो अगर ज़्यादा कस्टमर आ गए? सर, एक ही हाथ से? हम चार हैंड हैं यहाँ पर। अच्छा, 1, 2, 3 एंड 4। टेस्ट सारा एक ही आता होगा, मस्त है ना? और ये अमूल मक्खन में आप बनाते हो? तो सर, आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या चीज़ बिकती है, आपका फेमस क्या है, बेस्ट क्या है? सर, हमारे सारे पिज़्ज़ा बेस्ट हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप बताइए। मैं तो आपके हाथ से ट्राई करूँगा, तो आप बताइए क्या आप मुझे सजेस्ट करेंगे जो बढ़िया हो। सर, आप चीज़ ज़्यादा खाना पसंद करेंगे कम? ठीक, नॉर्मल। नॉर्मल डबल चीज़? तो ठीक है सर, आप एक डबल चीज़ लगाइए हमारे। अभी लगाता हूँ। तो ये अभी दाल का है सिर्फ? हाँ। yes, कौन सी दाल बताई आपने? ये मूंग की दाल। मूंग की दाल है। यस, मूंग की दाल का बेस है। यस, इसमें आप अपनी कलाकारी करेंगे। ये आपके सामने है सर जी, स्वदेशी पिज़्ज़ा। यस, स्वदेशी पिज़्ज़ा का स्वाद है ताज़ा, इम्यूनिटी को कर दे ज़्यादा। अरे वाह, बहुत सारी वेजेस, मतलब फुल हेल्दी चीज़ है ये। यस सर,
ये भी चीज़ है सर? ये मोज़रेला चीज़ है अमूल की। अच्छा, ये भी अमूल की चीज़ है? यस सर, ब्रांड टोटल अमूल। बहुत सही, नो डुप्लीकेट। स्लाइस काटने का भी क्या तरीका है ना आपका स्वदेशी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बाकी तो सर आप खाने के बाद बताएंगे सर। जी जी जी। अमूल की चीज़ आई, अमूल की चीज़ स्लाइस आई, और अब इसका आ रहा है अमूल बटर। बहुत सर आपका डबल चीज पिज्जा। बहुत सही। आहा, ये हरी चटनी आपकी? ये हरी चटनी है सर। ये भी आपकी अपनी बनी हुई होती है? अपने हाथ से बनी हुई, सब घर का बना हुआ है सर। और ये लाल चटनी है? लाल चटनी। ये इमली, अनारदाना, अंगूर खटाई, बहुत सारी चीज़ें हैं। इमली, अनारदाना, अंगूर खटाई। ओ, ये मुरादाबादी दाल है। आपके सामने देखते जाइए, ये हाफ दाल फ्राई कराई जा रही है आपको। हाफ दाल? हाफ दाल। ये एक हेल्दी फूड है जो डॉक्टर बीमारी के बाद बोलता है, बीमारी से पहले। अच्छा अच्छा, ओहो। हमारी ये दूसरी आइटम है पिज्जा के अलावा, okay. इसको हम बोलते हैं मुरादाबादी मूंग की दाल। मुरादाबादी मूंग की दाल, हाँ जी। इसमें सबसे पहले हम नमक डालते हैं, जीरा, धनिया, फ्राई मिर्च, हमारा स्पेशल घर का बना मसाला, अदरक, हरी मिर्च, हाँ, और नींबू। पूरी देसी दाल हो गई है तो मस्त। प्योर देसी दाल है जी, जो सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा इसके ऊपर सबसे मट्ठी, ये क्या चीज़ डाली? मट्ठी। अच्छा, ये मक्खन है। अच्छा, इसमें भी अमूल? हाँ जी, प्योर अमूल, और ये हरा धनिया। अरे अरे, ये आपके रेडी हो। तो अब हम ट्राई कर रहे हैं पहले मुरादाबादी दाल, बहुत सारे मसाले डाल के और बहुत मस्त करके इन्होंने कुछ बनाए। देखिए आप, बहुत स्पाइसी है यार, बहुत अच्छी है दाल का टेस्ट बिल्कुल पता चल रहा है। मुरादाबादी दाल, खड़े मसाले जितने भी हैं सारे मसाले बिल्कुल एग्जैक्टली पता चल रहे हैं। अमेजिंग। स्पाइसी के शौकीन हो तो ज़रूर ट्राई करना यार आगे, बहुत स्पाइसी है। अब एक बार आ जाते हैं स्वदेशी पिज़्ज़ा पे। ओहो, चीज़ बहुत गर्म है।
इसको हरी चटनी के साथ ट्राई करते हैं। लिटरली डबल चीज़ है यार, बहुत फिल्ड है, वेजीज का पूरा टेस्ट है, अच्छे से क्रिस्प है, क्रिस्पी बना रखा है मस्त, और अंदर से उतना ही सॉफ्ट है। टेस्ट में इसको मैं कहूँगा बहुत हेल्दी फील हो रहा है, वेजीज़ बहुत सारी हैं, चीज़ है, चीज़ अगर आप ज़्यादा पसंद करते हो तो डबल डलवा सकते हो,